हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू बोट की ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच बोट वेव प्रो 47। और ये वॉच मेड इन इंडिया है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये वॉच वर्थ बाइंग है या नहीं इसके प्राइस पॉइंट पे। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि मैंने इसको किस प्राइस पे खरीदा है और ये अंडर 3500 के बजट में लाई करती है और मैंने इसको ऑलमोस्ट 55% डिस्काउंट पे खरीदा है इसकी MRP पे कंपैरिजन में। तो दोस्तों, बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने इसको ब्लैक में मंगवाया, आप बाकी कलर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस वॉच का डिटेल रिव्यू दूंगा, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, कैसा इसके यूजर इंटरफेस है, कैसी ऐप है, सारी डिटेल रिव्यू आपको मिल जाएगा और ये भी बताऊंगा क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा आप बॉक्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इसमें आपको लाइव क्रिकेट स्कोर्स का मोड मिल जाता है, जिससे दोस्तों जितने भी मैचेस होते हैं इंडिया के वो आपको दिख जाएंगे स्कोर्स। और साथ ही साथ इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, जिससे 30 मिनट में ये काफ़ी जल्दी कंप्लीट चार्ज हो जाती है। और अगर बॉक्स के पीछे कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाता है 1.69 इंचेस का HD डिस्प्ले। और अगर बात करें इसकी ब्राइटनेस की तो 500 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि डिसेंट कही जाएगी इस बजट में। और मॉनिटर्स की बात करें तो हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर मिल जाता है, वेलनेस क्रू एंड फिटनेस बडीज ऐप में मिल जाती है आपको, कस्टम रन प्लान्स मिल जाता है, क्लाउड एंड कस्टम बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। और सबसे अच्छी बात, कॉल टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया नोटिफिकेशन इस वॉच में आपको मिल जाएंगी। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, जो कि हम आगे देखेंगे कि कितने स्पोर्ट्स मोड है और कैसी इनकी एक्यूरेसी है। और IP67 की डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टेंस है, जिससे आपकी वॉच छोटे मोटे पानी के स्प्लैशेस से बची रहेगी। अब नीचे जैसा आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी MRP 6990 है, लेकिन मैंने इसको ऑलमोस्ट 55% डिस्काउंट पे खरीदा है, क्योंकि दोस्तों अभी ये स्पेशल लॉन्च ऑफर पे अराउंड 3199 रुपीज के प्राइस पे लॉन्च हुई है, उसका मैंने बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब जल्दी से दोस्तों इस वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं और आगे इसका डिटेल रिव्यू आपको देते हैं। लेकिन दोस्तों, अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी बोट वॉच ब्लेज और बोट वॉच मैट्रिक्स की भी वीडियो आ चुकी है, और अगर आप इन तीनों में से किसी का भी कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग रिव्यू और गिव अवे वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे ले आते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस करिए, ताकि हम ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोडक्ट्स की वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया बोट वॉच वेव प्रो 47 की, और टॉप पे हमें दिख जाती है हमारी स्मार्ट वॉच। तो इसको अभी हम अलग कर लेते हैं और इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब अगर बॉक्स के कुछ और एडिशनल कंटेंट्स की बात करें तो नीचे आपको मिल जाती है इसकी कुछ मैनुअल्स, जिसको आप इधर देख सकते हैं, और आगे मैं वीडियो में इसकी पूरी कंप्लीट गाइड बताने वाला हूं, तो इसकी अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें चार्जिंग की, तो दोस्तों इसमें आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है मुझे, और फर्स्ट टाइम बोट ने व्हाइट कलर की चार्जिंग केबल दिया है, नहीं तो जनरली ये ब्लैक कलर में भेजता है, और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया मेरे पास मेन प्रोडक्ट, जो कि है बोट वॉच वेव प्रो 47। और अभी जल्दी से देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो जैसा आप देख सकते हैं, साइड में इसमें आपको एक सिंगल बटन मिल जाता है, जो कि फ्लैट बटन है, और लेफ्ट साइड पे आपको प्लेन बॉडी मिल जाती है। पीछे अगर देखें तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन मिल जाता है बोट की पिछली स्मार्ट वॉचेस से अगर कंपेयर करें, और आपको सारे सेंसर्स इधर दिख जाएंगे, और नीचे आपको बोट वॉच वेव प्रो 47 की ब्रांडिंग भी दिख जाएगी। और दोस्तों, स्ट्रैप की अगर बात करें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन मिल जाता है स्ट्रैप में, इधर आपको स्ट्राइप्स दिख जाती है, जो कि टच करने में भी 3D फील होती हैं, और साथ ही साथ स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा स्लिम स्ट्रैप अराउंड 20mm का होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, और इधर बकल आपको मेटालिक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो जल्दी से दोस्तों इसको हम टॉप से उतार देते हैं और मैं जल्दी से आपको दिखा दूंगा इसकी कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोट वॉच वेव प्रो 47 का डिस्प्ले, थोड़ा स्क्वेयरिश डायल है इस बार बोट की वॉच का। और अगर बात करें इसकी डायमेंशन की, तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 1.69 इंचेस का HD डिस्प्ले है, जिसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो जल्दी से मैं इसको ऑन करता हूँ, बूट करता हूँ, और आपके साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, बोट वॉच को मैंने अपना बूट कर लिया है। तो जल्दी से मैं अपनी स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको रिव्यू देता हूँ इसके यूज़र इंटरफेस का। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको सेटअप करने के लिए हमें बोट क्रेस्ट ऐप को खोलना है, और इसमें मैं जल्दी से इसका सेटअप कर देता हूँ। अगर आप डिटेल्ड सेटअप की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बोट वॉच ब्लेज का डिटेल सेटअप बताया हुआ है, और सारी वॉचेस का सेटअप ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी वॉच को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको इसका यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो जैसा आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके शॉर्टकट्स दिख जाते हैं, चाहे वो ब्राइटनेस हो, अलार्म हो, डार्क मोड हो, सेटिंग्स हो, और साथ ही साथ ब्राइटनेस को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इधर से। और दोस्तों, अगर आप राइट स्वाइप करते तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगी, और अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते तो इधर आपको स्टेप्स दिख जाएगा। और स्टेप्स की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि मैंने अराउंड 78 या 79 स्टेप्स चले थे, और इधर आपको 75 स्टेप्स दिखा रहा है, तो एक्यूरेसी डिसेंट है। और अगर वापस लेफ्ट स्वाइप करें तो इधर आपको हार्ट रेट मॉनिटर दिख जाएगा, वापस स्वाइप करें तो इधर आपको SPO2 मॉनिटरिंग दिख जाएगी, और इधर आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी दिख जाएगी। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों, स्मार्ट वॉच में एक एडिशनल फीचर है कि आप टेम्परेचर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। और आगे अगर देखें तो इधर स्लीप मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है, और इधर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिल जाता है।
तो ये थे इसके दोस्तों शॉर्टकट्स। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन फीचर पे, जो कि है इसका क्रिकेट मोड। तो मैंने यहाँ पे ऐप से इसका क्रिकेट मोड ऑन कर दिया है और इधर आपको लाइव अपडेट्स दिखते रहेंगे जो भी मैचेस चल रहे होंगे। और क्योंकि दोस्तों आज कोई मैच नहीं है इधर, इसलिए आपको कोई भी अपडेट अभी नहीं दिख रहा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं मेन सेटिंग्स पे। तो जैसा आप देख सकते हैं सेटिंग्स में टॉप पे आपको दिख जाएंगी एक्टिविटीज, फिर एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2, स्लीप, टेम्परेचर, ब्रीथ एक्सरसाइज, नोटिफिकेशन, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, फ्लैशलाइट, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, कैलकुलेटर, स्टेप्स का भी अलग से मोड दिख जाएगा। और सबसे डिफरेंट और यूनिक फीचर जो मिलेगा वो है इसका दोस्तों गेम का फीचर। तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट गेम भी मिल जाती है, तो उसको आप खेल सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं अपना। और दोस्तों मेन्यू में नीचे आपको मिल जाता है फाइंड फोन की ऑप्शन और सेटिंग्स की ऑप्शन। और सेटिंग्स में अगर जाके देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्प्ले की ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें आप वॉच फेस को सेट कर सकते हैं, और एडवांस में जाके स्लीप और स्क्रीन ऑन टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। और नीचे आपको वाइब्रेशन दिख जाती है, जिससे आप सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और नन के ऑप्शन सेट कर सकते हैं, मैंने सॉफ्ट सेलेक्ट किया हुआ है। डू नॉट डिस्टर्ब का मोड दिख जाता है, सिस्टम, डाउनलोड ऐप और अबाउट द वॉच का। दोस्तों अब अगर बात करें कि कितने स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं इसमें आपको, तो जैसा आप इधर देख सकते हैं वॉकिंग, ट्रेडमिल, रनिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, योगा, डांसिंग, इंडोर साइकिलिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कराटे, टेबल टेनिस, पायलट जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये सारी इसकी एक्टिविटीज थी। तो ऑलमोस्ट 15 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं इसमें आपको इनबिल्ट वॉच के अंदर। और अगर एक्टिविटी रिकॉर्ड्स की बात करें तो इधर आप जाके चेक कर सकते हैं अपने एक्टिविटी रिकॉर्ड्स को। और हार्ट रेट और SPO2 को मैं अभी डिटेल में आपको एक प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट करके दिखाऊंगा इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो ये था दोस्तों इसका पूरा वॉच का यूजर इंटरफेस। अब देख लेते हैं कि कैसी है इस वॉच की एक्यूरेसी। तो दोस्तों हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं इधर इसने मेरा हार्ट रेट मॉनिटर किया 105 BPM, और इधर आपको 112 और 107 के बीच में फ्लक्चुएट होता हुआ दिख जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इसने मेरा SPO2 भी मॉनिटर करके दिखा दिया 99%, और जैसा आप देख सकते हैं ऑक्सीमीटर में 98% की रीडिंग आ रही है, और 99 और 98 के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है। अब अगर बात करें टेम्परेचर मॉनिटरिंग की, तो यहाँ पे मेरी वॉच टेम्परेचर को मॉनिटर कर रही है, और जैसा आप देख सकते हैं 99.7 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर है, इतना ही होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। और दोस्तों अब अगर चेक करें कि इसका हार्ट रेट मॉनिटर होता है एयर में या नहीं, तो वो आपको देख जाएगा। तो दोस्तों जैसा आप इधर देख सकते थे यहाँ पे आया था वियर वॉच प्रॉपरली। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी चीज़ का हार्ट रेट नहीं दिखाएगा, आपको पहनना पड़ेगा वॉच को अच्छे से और तभी आपको ये हार्ट रेट दिखाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था इस वॉच का UI, और आप जानते होंगे कि बोट ने स्पेशली इस वॉच के लिए इंडियन वॉच फेसेस बनाए। और जैसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे और भी एडिशनल वॉच फेसेस मिल जाएंगे, और आप ऐप के थ्रू भी वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से ऐप पे जाके इसका ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया बोट की ऐप, जो कि है बोट क्रेस्ट ऐप, और इस वॉच के लिए भी आपको बोट क्रेस्ट ऐप यूज़ करना है। और आप जानते होंगे कि बोट वॉच मैट्रिक्स में भी बोट क्रेस्ट ऐप यूज़ हुई थी, और मैंने आपको उसका पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू दिया था। तो अब यहाँ पे मैं आपको मेन फीचर्स दिखा दूँ, तो यहाँ पे सारे मॉनिटर्स का डिटेल्ड ओवरव्यू आपको दिख जाएगा। और सबसे अच्छी बात जो है वो है दोस्तों इसका क्रिकेट मैचेस का ओवरव्यू। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इधर आपको टुडेज मैचेस के जितने भी अपडेट है वो यहाँ पे दिख जाएंगे डायरेक्टली। और सेटिंग्स पे जाके आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको पुश टू वॉच करने हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, वाइब्रेशन अलर्ट चाहिए, या फिर कितने इंटरवल्स पे आपको स्कोर का नोटिफिकेशन चाहिए ODI और टेस्ट मैचेस का। तो दोस्तों ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे इस वॉच का, और यही इसको यूनिक बनाता है। और जैसा आप जानते हैं कि इंडियंस क्रिकेट के बहुत ज्यादा फैन है, दोस्तों उस हिसाब से ये वॉच काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो। और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी इसकी सेटिंग्स, जिसमें आप जाके इसके फीचर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं सारे, और साथ ही साथ आपको एडिशनल सेटिंग्स भी मिल जाती है, जिससे आप अपने वॉच सेटिंग्स और माय गोल्स को भी सेट कर सकते हैं। तो वेव प्रो के फीचर्स में अगर जाके आप वॉच फेसेस को देखना चाहें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉच फेसेस दिख जाएंगे, चाहे वो डिफॉल्ट हो, क्लाउड वॉच फेसेस हो, जिसमें आपको सारे इंडियन वॉच फेसेस भी दिख जाएंगे नीचे जाके, और उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इधर आप कस्टम वॉच फेसेस को भी सेट कर सकते हैं, अपनी फोटो ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्टली कैमरा से भी खींच के डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था बोट वॉच वे प्रो 47 का डिटेल रिव्यू। अब अगर बात करें कंक्लूजन की कि क्या आपको ये वॉच खरीदनी चाहिए 3100 के प्राइस पे, तो मेरा आंसर होगा येस। अगर आप एक इंडियन स्मार्ट वॉच लेने चाहते हैं जो कि इंडिया में ही बनी हो, तो ये वॉच वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। क्योंकि दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर डायल मिल जाता है, और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी वॉच काफी ज्यादा डिसेंट है। और यहाँ पे आपको स्ट्रैप भी डिफरेंट क्वालिटी का मिल जाता है, मेटल बकल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी मिल जाता है SPO2 और हार्ट रेट के साथ। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो 500 nits की ब्राइटनेस काफी ज्यादा इनफ है दोस्तों। मैंने इतनी कम ब्राइटनेस रखी हुई तब भी इतनी अच्छी डिस्प्ले मिल रही है, तो आउटडोर्स में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसके सेंसर्स है वो मैंने आपको डिटेल में उनका रिव्यू करके दिखा दिया कि कितने एक्यूरेट हैं, और पूरी वॉच का इंटरफेस भी दिखा दिया, मुझे कहीं पे भी कोई लैग नहीं दिखा। तो ये था दोस्तों पूरी वॉच का ओवरव्यू। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा, और जरूर टेक मंजिल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बोट वॉच मैट्रिक्स और बोट वॉच ब्लेज के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो लाऊं, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।